नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आ गया हूं, जो हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं हिंदी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर देने का खुद से प्रयास कीजिए। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर तो बताऊंगा ही, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलें। इससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। देखिए, प्रश्न संख्या वन में हमारा यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न हमारा कुछ ऐसा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के किस विधा की रचना है। बताना है कि श्रम विभाजन जो हमारा है ये क्या है, कहानी है या निबंध है या आलेख है या डायरी है। तो क्या है ये श्रम विभाजन जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है निबंध, और बी में है कहानी, सी में है आलेख और डी में है डायरी। तो ये क्या है, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है। दोस्तों नहीं जानते कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता रहा हूं दोस्तों। अगर जो जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें, गलती होगा कोई बात नहीं, लेकिन सीखेंगे तो आप ही। लेकिन इसका आंसर देने का खुद से प्रयास कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं। तो ये हमारा जो है वो हमारा निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ये हमारा निबंध है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये एग्जाम में आ सकता है और आया भी है कई बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में हमारा प्रश्न है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। आपको बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। ऑप्शन यहाँ पे चार दिए हुए हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर दो लिखिए और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको लिख कर कॉमेंट बॉक्स में सीधा भेजते मेरे पास, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लिंग निर्धारण करना, बी में है पैसे का निर्धारण करना, और सी में है संस्कार का निर्धारण करना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कॉमेंट कीजिए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं भी बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैसे का निर्धारण करना। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो पैसे का निर्धारण करना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारा प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। आपको बताना है दोस्तों कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर ए में है तीन, बी में है पांच, सी में है चार, और डी में है छह। तो जल्दी से बताइए इसको आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों आंसर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता देता हूं। तो सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब के पांच लड़कियां थी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा ऐसा प्रश्न ही हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप पीछे देख सकते हैं, पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं तो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चार में है, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। आपको बताना है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को किस क्या सिखाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में खेलना सिखाया गया था, बी में है दिन भर पढ़ते रहना, और सी में है दिन में खाना नहीं खाना, और डी में है कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चार का आंसर तो आप ऐसे सेंस लगाकर भी बोल सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेलना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसी प्रकार के और भी मैं सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहता हूँ, सब्जेक्टिव भी, और इसके साथ साथ मैं सोल्यूशन भी देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पांच है, जनरल कमीशन यहाँ पे होगा, सॉरी कनिघम, क्या है कनिघम। चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जनरल कमीशन होना चाहिए, तो क्या थे आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आलोचक, और बी में है रणनीतिज्ञ, और सी में है दार्शनिक, और डी में है पुरातत्ववेत्ता। तो क्या थे, आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांच का जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, और इसका अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोचन, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छह, मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रियसन, बी में है डॉक्टर वली, सी में है रविंद्रनाथ टैगोर, और डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर वली। मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे, तो डॉक्टर वली, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सात में हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है। ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय परंपराओं पर, और बी में है भारतीय सैनिकों पर, सी में है भारतीय लोक नृत्यों पर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेवन लिखिए, जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसका आंसर दे दीजिए, गलत जाएगा कोई बात नहीं, गलत से ही हम लोग सीखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय परंपरा, याद रखिएगा दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पर गर्व करते हैं,
है तो आजादी सॉरी भारतीय परंपरा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है, आपको बताना है अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए में है मनुष्यता की विरोधनी, बी में है मनुष्यता की संशोधनी, और सी में है सहजता, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए इसका आंसर जो है मैं बता देता हूं, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुष्यता की विरोधनी। ऑप्शन नंबर ए सही है, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्यता की विरोधनी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जा सकती है, आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में है हिंदी, बी में है मैत्रेयी, और सी में है तमिल, और डी में है नेपाली। इसका आंसर जल्दी से कॉमेंट कीजिए दोस्तों, आंसर नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, इसका आंसर मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिल, याद रखिएगा दोस्तों तमिल। क्वेश्चन नंबर 10 में है, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्राह्मी लिपि, बी में है सिद्धम लिपि, और सी में है ए बी यानी कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कॉमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कॉमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा। ऑप्शन नंबर ए में है कहानीकार के मित्र ने, बी में है कहानीकार के भाई ने, सी में है कहानीकार के रिश्तेदार ने, और डी में है कहानीकार के साले ने। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कॉमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए, और इसका आंसर जो भी आपको लगे सही जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ये इतना प्रश्न, इतना इजी प्रश्न है दोस्तों, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, तो रुपये खोने का प्रपंच आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने। रिश्तेदार आया था तभी ना बहादुर को बोला था कि मेरा रुपया खो गया है या चुरा लिया है, बहादुर के बारे में बताया गया था, चोरी का एग्जाम लगाया गया था, तो ये तो याद ही होगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, कहानी भी आप लोग को अच्छे अच्छे मिलेगा इस चैनल पे, हिंदी भी आपको लगातार पढ़ाया जा रहा है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में, बहादुर कौन था, बहादुर कौन था। ऑप्शन नंबर ए में है कहानीकार का चपरासी था, ऑप्शन नंबर बी में है कहानीकार का नौकर था, सी में है कहानीकार का पहरेदार था, और डी में है एक फौजी था। तो ये भी आप आंसर अपने आपसे बता सकते हैं, कहानी पढ़े होंगे। तो बहादुर कौन था दोस्तों, कहानीकार का क्या था, जल्दी से आंसर कॉमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आंसर कॉमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका तो कॉमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं ही बता दूँ, तो इसका आंसर आप कॉमेंट कर दीजिए। तो अभी चाहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानीकार के नौकर था। तो बहादुर कौन था, तो कहानीकार का नौकर था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, आपको बताना है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है अशोक वाजपेयी, बी में नलून विरोचन शर्मा, सी में है भीमराव अम्बेडकर, और डी में है रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कॉमेंट कीजिए इसका आंसर, टाइम नहीं गवाई। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर, सॉरी इसका आंसर शायद गलत। चलिए एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूं तभी आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर गलत है, क्योंकि मैं पढ़ा हूं तो मुझे भी याद है, इसका आंसर जो होगा आपको रामविलास शर्मा हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है ना, मुझे जिस प्रश्न में उत्तर गलत लगता है मैं खुद आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर ये नहीं है, ये गलत है। तो ये गलत हो गया था दोस्तों, ये नहीं होगा भीमराव अम्बेडकर। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताया जाएगा, इसका आंसर गलत नहीं बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14 में है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, आपको बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था। आपका ऑप्शन नंबर ए में 1965 ईस्वी में, बी में है 1968 ईस्वी में, सी में है 1970 ईस्वी में, और डी में है 1972 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दिए दोस्तों। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा 1965 में। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1965 ईस्वी मिला था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर तो हो गया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, एक सब्सक्राइब के लिए मैं कितना बार बोलू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन को सही से पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, शहर अंक भी सभ्यता है के रचनाकर कौन है, शहर अंक भी सभ्यता है ये इसके रचनाकर कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है रामविलास शर्मा,
बी में है अज्ञेय, सी में है उपेंद्रनाथ अस्क और डी में है अशोक वाजपेयी। तो शहर तक की संभावना क्या है? शहर शहर तक है या अक है यार? शहर तक होगा, शहर तक भी संभावना है। तो इसके लिए सुनाकर कौन है जल्दी से इसका आंसर कमेंट किए। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? आपको बताना है महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। ऑप्शन नंबर ए में है मछली, बी में है विष के दांत, और सी में है शिक्षा और संस्कृति, और डी में है नागरी लिपि। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि एक सब्सक्राइब के लिए मैं कितना बार बोल चुका हूँ, और एक सब्सक्राइब के लिए मुझे बहुत बड़ा होता है, एक सब्सक्राइब आपका मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। महाविद्यालय पुस्तक में से कौन सी रचना संकलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है मछली, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में बिस्मिल्ला खां के परदादा का नाम क्या था? आपको बताना है बिस्मिल्ला खां के परदादा का नाम क्या था। उस्ताद सलाब हुसैन, और बी में है अब्दुल हुसैन, सी में है महताब हुसैन, और डी में है इकबाल हुसैन। देखिए इसमें यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पे उस्ताद हुसैन ये सही है, लेकिन इस सलाद कहाँ से आ गया इसमें, हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं। इसलिए अब बीच में क्या होगा नाम वो नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस्ताद हुसैन इनका नाम था। बिस्मिल्ला खां के परदादा का नाम उस्ताद हुसैन था, तो सलाद यहाँ पे नहीं, इसके जगह पे कुछ और होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा याद था कि उस्ताद हुसैन है, तो इसको मिला लीजिएगा। सलाद क्या है यहाँ पे नहीं हमको पता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, बी में है विनोवा या विनोद, क्या है विनोवा भावे, और भीम में सी में भीमराव अंबेडकर, और डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है, कमेंट करिए जल्दी से दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते वीडियो को। क्वेश्चन नंबर इसका 18 का आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन था? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 19 में गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? आपको बताना है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया। ऑप्शन नंबर ए में है रसखान, बी में है गुरु नानक, सी में घनानंद, और डी में है प्रेमघन। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु नानक। क्या हो जाएगा? गुरु नानक। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया था? तो गुरु नानक ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? आपको बताना है कि गुरु नानक के जितने भी रचना है इसका संग्रह किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए में है हरदयाल सिंह ने, बी में है गुरु गोविंद सिंह ने, सी में है गुरु अर्जन देव, और डी में है कालूचंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 में है, क्वेश्चन नंबर 21 में है रसखान किस काल के कवि हैं? क्या बोल रहा है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, बी में है मध्यकाल, सी में है रीतिकाल, और डी में है आधुनिक काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कॉमेंट कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीतिकाल। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन दोस्तों, रसखान किस काल के कवि है? तो रीतिकाल के कवि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछ चुका है। आगे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में घनानंद किस भाषा के कवि हैं? आपको बताना कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रजभाषा, बी में है अवधी, सी में है माघी, और डी में है खड़ी बोली। तो घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवधी, अवधी भाषा के कवि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉरी अरबी होगा, अवधी नहीं अरबी होगा यहाँ पे शायद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में है घनानंद किस बादशाह के मीर मुफ्ती थे? तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, और सी में है मोहम्मद शाह रंगीले, डी में है औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। क्वेश्चन नंबर 24 में है भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? आपको बताना है भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है। ऑप्शन नंबर ये तो सेंस से भी बता सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर में देसी घी, और विदेशी रहन सहन, या गुलामी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशी रहन सहन। सब कोई विदेशी की तरह रहने लगा है, तो अच्छा भी लगने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 25 में पंत जी प्रवृत्ति से
मतलब पंत जी प्रवृत्ति से हैं, कौन सा प्रवृत्ति से हैं, छायावादी से हैं या मानवतावादी से या रीतिवादी से या कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, छायावादी, याद रखिएगा छायावादी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे, जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए में है ढाल और तलवार, बी में है फूल और भौरे, सी में है फावड़े और हल, और डी में है बाघ और भालू। तो जनतंत्र के सॉरी जनतंत्र में दिनकर के अनुसार राजदंड क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फावड़े और हल। जल्दी से इस वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अज्ञेय किस भाषा के सॉरी किस काव्यवाद के कवि हैं, आपको बताना है अज्ञेय किस काव्यवाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रहस्यवाद, बी में है छायावाद, सी में है नकेनवाद और डी में है प्रयोग प्रयोगवाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, प्रयागवाद होगा यार, प्रयागवाद, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा नेक्स्ट, इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, तो इसका आंसर होगा प्रयागवाद, याद रखिएगा प्रयागवाद, प्रयोगवाद नहीं प्रयागवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28 में, हिरोशिमा शीर्षक कविता के में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है खगोलीय पिंड, बी में है प्रशंसित व्यक्ति, सी में है अनुबम, डी में है प्रचंड क्रोध। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुबम, याद रखिएगा अनुबम। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, संकलित है, तो आपको बताना है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए में इन्हीं दिनों, बी में हम तुम, सी में है आमने सामने और डी में है चक्रव्यूह। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्हीं दिनों, याद रखिएगा इन्हीं दोनों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 में है, वीरेंद्र अग्रवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं, वीरेंद्र अग्रवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जनसत्ता, बी में है दैनिक भास्कर, सी में है अमर उजाला, डी में है दैनिक जागरण। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमर उजाला, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमर उजाला, वीरेंद्र अग्रवाल के पत्र संपादक सलाहकार हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कवयित्री ने कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है, आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए में है सफलता की खुशी, बी में है विफलता के आंसू, सी में है मुक्ति की खोज और डी में है सुख की प्रवृत्ति। तो कवित्री के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विफलता के आंसू, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है रविंद्रनाथ टैगोर, बी में है सुमित्र नंदन पंत, सी में है जीवानंद जीवानंद दास और डी में है अज्ञेय। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवन जीवानंद दास, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, आंसर देते चले दोस्तों, बोलना नहीं पड़े। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 में है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है मातृभूमि प्रेम, या ऑप्शन नंबर बी में है भाव धर्म भाव, सी में है संसार की नश्वरता और डी में है मातृभाव। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मातृभूमि प्रेम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 में है, रेनर रिल के मारिया के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान के रूप को किसने प्रतिष्ठित किया है, आपको बताना है। रेने रिल के मारिका के अनुसार परम सत्ता के सर्वशक्तिमान रूप को किसने प्रतिष्ठित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ईश्वर ने, बी में है मनुष्य ने, सी में सृष्टि ने और डी में है किसी से नहीं। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुष्य ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 में, उर्वशी किसकी कृति है, क्या है उर्वशी किसकी कृति है, दिनकर की है, कुमार नारायण की है या महादेवी वर्मा की या पंत की। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनकर, ठीक है, बैटरी डाउन बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हाली हाली देख लेते हैं, जल्दी 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 देख लेते दोस्तों, क्योंकि हमारा लैपटॉप का बैटरी नहीं है और लाइट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए इसको। इसका आंसर जो होगा भागलपुर है, या ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे चार दिया हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा
तो जल्दी से पढ़ लीजिए और इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सीमरिया। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीमरिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? कन्नड़, तमिल, मराठी या मलयालम? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नड़, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बेटी थी, माँ थी, पुत्रवधू थी या शास्त्री? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्रवधू। याद रखिएगा, नजम्मा मगम्मा की क्या थी? पुत्रवधू थी। क्वेश्चन नंबर 39 में है लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? बताना है लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? पत्नी थी, बहन थी, चाची थी, माँ थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्नी। क्या हो जाएगा? पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में मंगू को कहाँ भर्ती कराया गया? अस्पताल में या अनाथालय में या विद्यालय में या सेना में? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्पताल। कब बंद हो जाएगा लैपटॉप? कोई पता नहीं दोस्तों। 50 क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, लो बंद हो गया।